ना कैमरामैन जल्दी फोकस करें। सो फाइनली वेलकम बैक टू माई न्यू एंड एथर ब्लॉग। तो आज हमने करना था पंजाब को क्योंकि हमारा टूर हो गया था कंप्लीट। तो सुबह 6 बज रहे हैं इस टाइम तकरीबन, तो हमारे 7 बजे की ट्रेन है। तो चलते हैं नीचे, बाइक उठाते हैं और चलते हैं अपनी सफ़र की जाने। नीचे उतरने से पहले ही भाई उठ चुके थे, चारों को गाड़ी निकाल रहे हैं। तो चलते हैं सबसे सामान। सफर हो गया था स्टार्ट, तो आगे चलते लाहौर। लोग बताते हैं वहाँ से और आए जाए अपन उसको छुड़ाने के लिए, फिर लाहौर जाके मिलते हैं। तकरीबन 11:30 हो गए, तो अपना सफ़र जारी रखते हुए हम पहुंच गए लाहौर। और बाकी जो सियालकोट से आए हुए थे वो उतर गए। यहाँ में करते हैं हिम्मत का वेट, देखते हैं कब पहुँच पाए। तो सफ़र यहाँ जारी है, तो पहुँच गए थे खाने वाले, तो उधर स्टे था तकरीबन 30 मिनट का। तो अब वक्त गुजारने के बाद देख सकते हैं पीछे स्टेशन सारा। तो यहाँ हो चुकी थी आधी रात, तो हम पहुँचे इस टाइम बावलपुर। तो तकरीबन 7:30 का टाइम है, जो हमारा खाना था वो तकरीबन ख़त्म हो चुका है। तो अब हमने फ़ोन किया एक भाई को, तो वो आ रहे हैं, उनसे लेते हैं बर्गर। क्या तक फिनिश। तो हमारे एक भाई हैं बावलपुर में रहते हैं, सारे रेस्टोरेंट के मैनेजर हैं कसीम भाई। तो उनसे हमने फ़ोन करवा के बर्गर मंगवाए, तो चलते हैं। बर्गर हमारे आ चुके, दे दिए थे सारे। चलते हैं अब ट्राई करते हैं। लास्ट टाइम जो मंगवाया था उनका तो क्या बात थी, कुछ तो बात थी इस चीज़ में। तो चलते हैं अब ये भी ट्राई करते हैं, फिर आपको इंशाल्लाह रिव्यू भी देते हैं। तो ये बर्गर है इनके, दो थे इनके क्रिस्पी बर्गर और एक इनका ये वाला चिकन बर्गर, ले सारे का स्पेशल बर्गर। तो चलते हैं अब खाते हैं इसको, फिर आपको रिव्यू और देते हैं। ये बर्गर देख सकते हैं बिल्कुल नहीं आ रहा बाहर, तो ये ट्राई करते हैं हम, फिर आपको टेस्ट बता देंगे। मज़ेदार मेहरबानी कसीम भाई, बहुत मज़ेदार। तो तो ये दिखाना मैं भूल चुका था क्योंकि ये पीछे पड़ा हुआ था, इस पर मेरी नज़र नहीं पड़ी। खैर जिस टाइम पड़ी उसकी मैंने बना ली थी वीडियो। तो आज के तकरीबन 2 बज रहे हैं, ट्रेन का नाम निशान नहीं है, तो सोचे क्यों ना आप लोगों को लोग बना के दिखाए। लोग में क्या करें, कुछ समझ आ नहीं रहा था, इतने में नजर आया हमें सितारे। मेरे मोबाइल के कैमरे से तारे तो नहीं नज़र आ रहे थे, खैर आप लोगों ने तो तारे देखे हुए हैं तो इसलिए ज़्यादा फोकस नहीं करें। इस टाइम हैदराबाद पहुँच चुके थे सुबह 7 बजे, तो 3 घंटे रह गए, अब इंशाल्लाह कराची पहुँच जाएंगे अल्लाह खैर करे। ये कि मिट्टी बहुत ज़्यादा थी सफ़र में, जिसकी वजह से हालत बुरी हुई है। और ये हमारी ट्रेन, स्टेशन में हो रहा था शोर, इतने में हुआ इंजन ऑन, कैमरों को किया ऑफ और हुए गाड़ी पर रवाना। तो इधर हम पहुंच चुके हैं पीएफ म्यूजियम के पास, जो कि लोकेटेड है सारा फैसल। तकरीबन 2-4-5 मिनट का सफ़र रह गया है, फिर हम अपने शहर कराची में। ये पार्क है पाकिस्तान एयरफोर्स का। कैमरा मैन जल्दी फोकस करें। सो फाइनली इस वक्त कराची पहुँच चुके हैं, तो प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे हमारी गाड़ी लगी है, जिसने मिलना वो आज है। कहते चले उतारते सामान, फिर चलते हैं घर, घर जाके फिर मिलते हैं, क्योंकि ब्लॉग का करना है एंड भी, तो घर पे जाके फिर आपसे मिलते हैं। तुम उसके शहर को 2 बातों से पहचान लेना। क्या अच्छा शेर है भाई। तुम उसके शहर को 2 बातों से पहचान लेना, कि गलियां साफ हैं और लोग उर्दू बोलते हैं।
सो यहाँ मैं पहुँच चुका था घर खैर करी जैसे। तो वीडियो को एंड करने से पहले जिसने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें और शेयर ज़रूर करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।